नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, झारखंड सरकार ने एक नई नियोजन जो नीति है वो जारी की है, यानी कि दोस्तों कुछ भाषाओं को लेकर कुछ फैसला किया है। और फ्रेंड्स, जो वहाँ की जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं उसको लेकर एक बहुत ही बड़ा फैसला है। SSC का जो वहाँ का एग्ज़ाम है उसमें भी काफ़ी कुछ संशोधन किए गए हैं। तो दोस्तों, जो महत्वपूर्ण जानकारी है जो गवर्नमेंट जॉब को लेकर है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, और SSC के बारे में। दोस्तों देखिए, झारखंड सरकार ने जो है नई नियोजन नीति जो है लागू की है, जिसका वहाँ पर विपक्ष द्वारा विरोध भी हो रहा है। फ्रेंड, इसमें जो झारखंड में जो जॉब जिनमें मैट्रिक से लेकर स्नातक की योग्यता होती है, अब इस जॉब को यदि आपको फॉर्म भरना है, आप झारखंड के हो कहाँ के हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आप झारखंड के बोर्ड के स्कूलों से यदि आप इंटर या फिर मैट्रिक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप जो है वो फॉर्म नहीं भर सकते। और यदि आप झारखंड से भी रहने वाले हैं तो, और ये नियम जो है झारखंड के जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए लागू होगा, और जो आरक्षित वर्ग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए दोस्तों ये नियम लागू नहीं होगा। तो दोस्तों, यदि आप झारखंड में जॉब करना चाहते हो, आप झारखंड के ही क्यों ना हो, आपको ये जॉब तभी मिलेगी जब आप झारखंड के ही स्कूल से मैट्रिक या फिर इंटर जो है किए हुए हो। साथ ही दोस्तों, SSC में कुछ बदलाव किए गए हैं जो JSSC एग्ज़ाम लेता है। अभी तक दोस्तों इसमें क्या होता था, प्री होता था, मेंस होता था, लेकिन दोस्तों अब जो है सिंगल परीक्षा होगी, एक ही पेपर होगा। और दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम झारखंड में SSC या फिर जहाँ भी भाषा से संबंधित पेपर होते थे, तो दोस्तों पहले क्या था, हिंदी इंग्लिश जो था उसमें अलग अलग 30-30 मार्क्स जो है लाने पड़ते थे, लेकिन दोस्तों अब ये कंबाइन कर दिया है, अब जो है दोनों में मिलाकर जो है 30% मार्क्स जो है लाना ज़रूरी रहेगा, ये क्वालिफाई है। और दोस्तों, जो लोकल भाषा है उसमें 30% और जो GK है उसमें 30% लाना ज़रूरी रहेगा। तो ये भाषा को लेकर दोस्तों और भी कुछ है दोस्तों, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको केवल जो गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जो जानकारी है वो मैंने आपको बताई है। यदि आप झारखंड में जॉब करना चाहते हो तो अब जो है आपको झारखंड के ही स्कूल से मैट्रिक या फिर इंटर करना होगा, तभी आप जो है वहाँ से जॉब वहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। तो हालांकि दोस्तों इसका विपक्ष द्वारा विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन सरकार बोल रही है कि यहाँ के स्थानीय निवासियों को ध्यान में रखकर हमने ये नियोजन नीति बनाई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।